हाँ तो बच्चों, अभी आपने मौखिक प्रश्न उत्तर कर लिए। अब आप करेंगे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न एक है, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में लिखिए। अभी आपने राष्ट्रीय ध्वज देखा, उसमें आपने सारा सब कुछ समझा था, अब आप उसके बारे में लिखेंगे। देखिए उत्तर है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है। सबसे ऊपर केसरिया, इसमें कौन कौन से 3 रंग होते हैं, सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी होती है। सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का चित्र बना होता है। बच्चों आप लोग एक राष्ट्रीय ध्वज बनाएंगे। प्रश्नोत्तर लिखने से पहले, ये वाले प्रश्नोत्तर लिखने से पहले एक तिरंगा झंडा का चित्र बनाएंगे और हेडिंग डालेंगे तिरंगा झंडा, और उसमें सबसे ऊपर कौन सा रंग भरेंगे, केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग भरेंगे, और बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी पर एक चक्र बनाएंगे जिसमें आप 24 तीलियां दिखाएंगे। तो सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना होता है, चक्र बना करके उसमें 24 तीलियां बनाएंगे, यानी तिरंगा झंडा आपने ड्रॉ करना है और उसमें कलर भी करना है। फिर देखिए प्रश्न 2, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं। उत्तर, भारत का राष्ट्रीय पशु वनराज व्याघ्र है, अभी आपको बताया था मैंने, और इसे अंग्रेजी में पैंथरा टाइग्रिस कहते हैं। प्रश्न 3 है बच्चों, हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा, इसे राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया। उत्तर, हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है, इसे नोबेल पुरस्कार विजेता श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। इसे राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया, 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। प्रश्न 4 है, हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, इसे पहली बार कब और कहां गाया गया था। उत्तर, हमारा राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। जो राष्ट्रगान है उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। दोनों में अंतर है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। इसे पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कहाँ गाया गया था, कांग्रेस के अधिवेशन में, और कब, 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो ये हैं इसके बच्चों प्रश्नोत्तर जो आपने कॉपी पर करने हैं। अब आप करेंगे इस पाठ का पठित गद्यांश। तो ये देखिए पार्ट 3 डालेंगे, हेडिंग डालेंगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, फिर लिखेंगे पठित गद्यांश, गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो पहले गद्यांश लिखेंगे, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, हम सब भारत के नागरिक हैं, प्रत्येक राष्ट्र के कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं, हमें इनके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए, इन प्रतीकों का अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है। उत्तर देखिए, पहला प्रश्न है, भारत कैसा राष्ट्र है, आपको सब उत्तर इसी में से मिल जाएंगे, एक दो उत्तर बाहर से दिए जाते हैं, बाकी सब आपको पैराग्राफ से ही संबंधित प्रश्न उत्तर होते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत कैसा राष्ट्र है, ये देखिए उत्तर है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, उत्तर लिखेंगे भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। दूसरा है प्रश्न 2, हम सब किस देश के नागरिक हैं, उत्तर है हम सब भारत देश के नागरिक हैं, हम सब भारत देश के नागरिक हैं, आपको पता है। फिर प्रश्न 3, हमें किसके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए, हमें अपने देश के प्रतीकों के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए, अपने देश के प्रतीक जो आपने पढ़े अभी, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, और दूसरा आपने पढ़ा ये राष्ट्रीय चिन्ह। तो हमें अपने देश के प्रतीकों के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, इन प्रतीकों का अपमान किसका अपमान माना जाता है, उत्तर इन प्रतीकों का अपमान राष्ट्र का अपमान माना जाता है, हमें कभी भी भूल कर भी अपने तिरंगे झंडे का, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रश्न 5, अपने देश के किन्हीं 2 प्रतीकों के नाम लिखिए, उत्तर अपने देश के किन्हीं 2 प्रतीकों के नाम है, नंबर 1 राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, और दूसरा है राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो इसका ये आप लोगों ने पठित गद्यांश अपनी कॉपी पर करना है।
थैंक यू चिल्ड्रन। लॉकडाउन खुलते ही आप लोग की कॉपी बहुत ही जल्दी चेक होने वाली है, कभी भी आपको आपको कॉल किया जा सकता है कॉपी चेक करने के लिए। तो आप लोग अपना वर्क जितना भी मैंने कराया है पार्ट 3 तक सारा वर्क कॉपी पर कंप्लीट करके रखेंगे। जो एक्सरसाइज मैंने बुक में कराई है वो आपने बुक में ही करनी है। थैंक यू चिल्ड्रन।